काफी लोगों ने मुझे ये कहा था तू टिक नहीं पाएगी शो के अंदर। आई वुड लव टू गो इन झलक एंड खतरो, वो शोज आपके दूसरे लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट्स को चैलेंज करते हैं। जब मैं उधर ले जाना चाहूँगी बट शी इज नॉट इंटरेस्टेड। वी आर हैंगिंग आउट वेरी फ्रीक्वेंटली, अभी तो मैं जा रही हूँ, अपकमिंग मेरा बोली बोली सॉन्ग आ रहा है, उसका मैं डायरेक्टली नाम नहीं लेना चाहूँगी। उसका नाम ले लेकर वहाँ फेक आईडी आपके कमेंट सेक्शन में आके बकवास करते हैं और गाली देते हैं। देखिए वो मुझे ट्रोल कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं, वो उनकी पर्सनैलिटी है, वो जो कर रहे हैं वो उनको करने दीजिए, वो अपनी असलियत दिखा रहे हैं। वेलकम टू डेली चिस्का, और आज हमारे साथ है बेबी का। तो बेबी का सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि हाउ इज लाइफ गोइंग ऑन आफ्टर बिग बॉस। लाइफ इज गोइंग वंडरफुली ग्रेट, इट्स अ 360 डिग्री चेंज एंड आई फील वेरी रिस्पॉन्सिबल, देयर आर सो मेनी पीपल लुकिंग अप टू मी एंड आई जस्ट वांट टू ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ माय सेल्फ। ये बिग बॉस में जाने से पहले आपने सोचा था कि आने के बाद इतना प्यार मिलने वाला है या फिर इतना लाइक अभी तो आप इतनी फेमस हो गई हैं तो ये सब कुछ सोचा था कि इतना होने वाला है, इससे थोड़ा सा कम होगा या इससे थोड़ा ज़्यादा मिलने वाला है, क्या कुछ सोच के एंटर किया था? जाने से पहले कुछ सोचा नहीं था और काफ़ी लोगों ने मुझे ये कहा था तो टिक नहीं पाएगी शो के अंदर, बट थिंग्स हैव फॉलन इन प्लेस एंड लॉट हैज हैपेंड एंड आई प्रूव माय सेल्फ वर्थ, सो दैट्स इनफ फॉर मी। ओके, आई वॉन्ट टू नो, अब तो आप इतनी फेमस हो गई हैं बट योर इंस्टाग्राम बायो से इसकी आप वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि आप बिग बॉस OTT के टॉप 4 फाइनलिस्ट में से हैं, सो डू यू थिंक कि वो अभी भी लिखना ज़रूरी है? बिकॉज अब तो आप फेमस हो ही चुके हो, सो वहाँ पे लिखना इतनी भी ज़रूरत लगती है आपको? देखिए वो मेरी लाइफ का सबसे पहला स्टेपिंग स्टोन है जिसकी वजह से मुझे अपनी कंट्री में और ऑल अक्रॉस द ग्लोब इतना रिकग्निशन मिला है, तो मैं अपने अचीवमेंट को वहाँ क्यों ना लिखूँ, आई विल कीप इट। ओके, सो इट्स रिटन एज एन अचीवमेंट, ऑफकोर्स इट्स एन अचीवमेंट फॉर मी। सो अब बिग बॉस भी हो गया, अब रियलिटी शोज की बात करें या फिर कोई दूसरे प्रोजेक्ट्स की बात करें तो आपको और कहाँ देख सकते हैं या फिर स्पेशली रियलिटी शो के बारे में जानना चाहेंगे कि किस रियलिटी शो में आप आफ्टर बिग बॉस जाना चाहते हैं? आई वुड लव टू गो इन झलक एंड खतरो, बिकॉज काफ़ी चैलेंजिंग शोज लगते हैं मुझे। बिग बॉस भी अपकोर्स बहुत चैलेंजिंग था, बट वो शोज़ आपके दूसरे लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट्स को चैलेंज करते हैं, तो आप लगता है। अगर बिग बॉस से कोई मौका मिले कि आपका छोटे साथ लेकर जाएं तो आप किसे लेकर जाना चाहेंगे? मैं पूजा मैम को ले जाना चाहूँगी, बट शीज़ नॉट इंटरेस्टेड, बट अविनाश हाई थिंक यू डू वेरी गुड। ओके, हाल ही में आप लोग के वीडियोस भी घूमने गए थे, आप चारों ही घूमने गए थे, पूजा मैम आप अविनाश और तलक, तो कैसा रहा वहाँ का जो भी वैकेशन था, जो भी ट्रिप था आपका, कैसा रहा क्या कुछ? बिकॉज फ़ोटोज़ जो हम देख रहे हैं काफ़ी फन, काफ़ी लविंग फ़ोटोज़ देखने मिल रहे हैं, आप क्या कुछ शेयर करना चाहेंगी? अभी वी आर हैंगिंग आउट वेरी फ्रीक्वेंटली, अभी तो मैं जा रही हूँ तो वी आर रियली ट्राइंग टू ब्रिंग द बेस्ट ऑफ आवर टाइम्स एंड वी हैंग आउट एट ईच अदर्स प्लेसेस एट वी गो फॉर डिफरेंट ट्रिप्स, सो या इट्स समथिंग वेरी क्लोज टू आवर हार्ट एंड इट्स गोना बी फॉरएवर। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करूँ तो क्या आप मैसेज देना चाहेंगे, क्या आप कम जा रहे हैं? अपकमिंग मेरा बोली बोली सॉन्ग आ रहा है, आई एंटर्ड द स्ट्रीम ऑफ बॉलीवुड एंड आई साइन अ मूवी एंड मूवी एंड बहुत सारी बातें पाइपलाइन में चल रही हूँ साथ में प्रोजेक्ट्स एज वेल। ओके, थोड़ा सा बिग बॉस के बारे में बात करें तो लाइक बिग बॉस से बाहर आने के बाद यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिल रही हैं, फेक पीआर हो रहा है लोगों का, लोगों को ट्रोल किया जा रहा है, व्हाट वुड यू लाइक टू एड? वेल मेरे साथ भी ये काफ़ी टाइम से हो रहा था, जब मैं घर के अंदर थी तब भी हो रहा था क्योंकि मेरी कुछ कंटेस्टेंट से लड़ाई भी थी, लेकिन उनका मैं डायरेक्टली नाम नहीं लेना चाहूँगी और मेरे लाइफ में भी मैंने डायरेक्टली नाम नहीं लिया था, मैंने बस यही दर्शाया था कि उनके तरफ शक जाता है और शक इसलिए जाता है क्योंकि उनका नाम ले लेकर वहाँ फेक आईडी आपके कमेंट सेक्शन में आके बकवास करते हैं और गाली देते हैं, तो जब वो लोग आके आपका नाम लेके गालियाँ दे रहे हैं तो उससे आपकी पर्सनैलिटी दिखकर आती है, आप जिस फैन को अट्रैक्ट करते हो उससे आपका रियल पर्सोना दिखकर आता है, और आप घर के अंदर भी बार बार कैमराज को देख देख के बोलते थे कि अरे इनके पुतले फाड़ देना, इनको गालियाँ पड़ेंगी मेरे फैंस से, आप घर के अंदर ऐसे स्टेटमेंट पास करते थे, तो ऑफकोर्स देर इज़ अ वेरी हाई चांस कि शक पूरा आप पे जाता है, तो आप उस शक को हटाने के लिए अपने एक्शन से हटाइए। तो बेबिका आप नाम क्यों नहीं लेना चाहती? लाइक आपको तो जिन जो भी लोग ट्रोल कर रहे हैं लाइक वो अपने वीडियोस में आपका नाम लेकर ट्रोल कर रहे हैं, बट आप क्यों नहीं नाम लेना चाहते? देखिए वो मुझे ट्रोल कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं, वो उनकी पर्सनैलिटी है, बट ये मेरी पर्सनैलिटी नहीं है कि मैं किसी इंसान पे बिना एविडेंस के सीधा जाकर अटैक करूँ या बेमतलब का उसका गला पकड़ूँ।
वो जो कर रहे हैं वो उनको करने दीजिए, वो अपनी असलियत दिखा रहे हैं। मैं जो कर रही हूँ मैं अपनी असलियत अपने तरीके से दिखाऊंगी। मेरा शक उनकी तरफ जाता है, बट डायरेक्टली नाम लेने का कोई मतलब नहीं बता, क्योंकि मेरे लिए ये सब अब इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा। मेरी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है यार, और बहुत कुछ इम्पोर्टेंट और बड़ा चल रहा है, और उस पर मुझे फोकस करना है और खुद पर फोकस करना है। तो ये सब बकवास करने के लिए, मेरे पास डिस्कस करने के लिए ज़्यादा देर नहीं है। तो आपको मेरी प्रोफाइल मेरे रियल रिव्यूज़ और रियल ऑडियंस के वीडियोस से भरे हुए दिखेंगे। ये फेक मैनिपुलेटेड सोशल मीडिया का थकौसला मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमने ये भी देखा था कि अभिषेक जब बीमार थे आप उनसे हॉस्पिटल में मिलने भी गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ लाइक आप तो एक फ्रेंडली यू नो दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन उस तरफ से रिएक्शन कुछ और ही मिला। उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कह रही हूँ कि ये आपकी पर्सनालिटी है, आप कैसे रिएक्ट करते हैं। आप वीडियोज़ बनाते हैं, ट्रोल करते हैं, इंसल्ट करते हैं, बॉडी शेम करते हैं, जो भी करते हैं, वो आपकी असलियत है, वो आपकी पर्सनालिटी है, वो दिखती जाएगी। तो वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, वो आपकी प्रॉब्लम है, आप भी कीजिए। मेरे हिस्से में ये है कि मैं अपनी तरफ से या तो सब कुछ क्लीन रखूँ या तो पूरी तरह से डिस्टेंट हो जाऊँ। आई चोज टू गेट डिस्टेंट बिकॉज आई वॉन्ट यू टू बी हैप्पी इन योर लाइफ। आपका अपनी लाइफ में अच्छा हो, भला हो, आपकी हर मुराद पूरी हो, मैं अपनी लाइफ में अच्छी भली रहूँ, मेरी हर मुराद पूरी हो।